नमस्कार, रात के 10 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। संसद भवन का ये गलियारा है जहां से बाहर निकलते हुए इस सवाल के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों आता है बहुत ज्यादा गुस्सा, वो भी तब जैसे जैसे 2019 की चुनावी फिजा बदल रही है, चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी के गुस्से की चर्चा भी हर आम खास की जुबान पर इस वक्त छाई हुई है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, मोदी का बरसना भी उसी हिसाब से जारी है। उनके निशाने पर कब कौन आ जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन मोदी किसी को छोड़ते नहीं। जो भी उनके काम या फिर नाम पर सवाल उठाता है उसे मोदी फौरन निशाने पर ले लेते हैं, और इसी वजह से आज ये सवाल नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को गुस्सा क्यों आता है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। आज पूरी दुनिया आतंक पर हमारे प्रहार की चर्चा कर रही है, तो दर्द पाकिस्तान को हुआ लेकिन आंसू हमारे यहां कांग्रेस और जेडीएस उनके साथियों के निकले। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है, और इसलिए भाग करके जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। ये पाकिस्तान कह रहा है वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, लेकिन नोटे कहां से निकलती है। ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तुमको जाना ही पड़ेगा। ये गुस्से की विभिन्न अदाएं हैं। गुस्सा भी किस्म किस्म का होता है, काम का गुस्सा, आराम का गुस्सा, जाम का गुस्सा, बुद्धिमान का गुस्सा, नादान का गुस्सा, आदमी परेशान का गुस्सा, लेकिन सबसे प्यारा होता है चुनाव का गुस्सा, और चुनाव में भी देश के प्रधान का गुस्सा। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। पाकिस्तान तो बस ऐसे ही है। सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में है, और इस गुस्से की ऐसी ऐसी भंगिमाएं हैं कि पूछिए मत। ये पाकिस्तान कह रहा है वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भंगिमाओं के साथ ही भाषा के प्रयोग भी बदलते हैं। मोदी वैसे भी प्रयोग धर्मी है, नई नई चीजों को आजमाने के शौकीन है आप कांग्रेस वाले, इसलिए अपने गुस्से में वो वहां तक चले जाते हैं जहां तक पहले के प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाते। अभी भी मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जवान जवान संभल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई। अब जो सवाल है वो ये कि मोदी को गुस्सा क्यों आता है, और आता है तो इतना क्यों आता है, या फिर ये चुनावी अभिनय है, एक कला, जुबान की बाजीगरी जो पसीने से लथपथ जनता पर मंत्र मार देती है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। थैंक यू। ये तो सब जानते हैं कि मोदी भारत के सबसे व्यस्त राजनेता है, उनके भाषणों की भारी मांग है। अब इतने भाषणों में नयापन कहां से आए, और जनता खोजती है नया। मुश्किल ये है कि मोदी किसी को भी निराश नहीं करना चाहते। ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री को ऐसे दांत पीसते हुए देखना वाकई दर्शकों के लिए नया तजुर्बा था। ऐसे गुस्से पर बहुत तालियां बजती हैं, लेकिन क्या वाकई गुस्सा पीएम मोदी का नैसर्गिक गुण है, या फिर उन्होंने चुनाव के हिसाब से इसका अपने अंदर आविष्कार किया है। तो दर्द पाकिस्तान को हुआ लेकिन आंसू हमारे यहाँ कांग्रेस और जेडीएस उनके साथियों के निकले। दरअसल किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पढ़ाई, इलाज पर आदमी बोले भी तो कहाँ तक बोले, और जनता से जुड़े मुद्दों पर बोलने के अपने खतरे भी होते हैं। ऐसे में गुस्सा बहुत काम का साबित होता है।
रक्षा मंत्री का पान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने राफेल को लेकर कैसे प्रधानमंत्री पर हमला बोला था। चुनाव में भी वो लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि मोदी भ्रष्टाचारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से राफेल वाला मुकदमा दोबारा से खोला है, तब से बीजेपी परेशान है। लेकिन प्रधानमंत्री तो राफेल का जिक्र आते ही गुस्सा हो जाते हैं। अभी भी ये राफेल विमानों के सौदे को अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए, उसको भी नाकाम कराने के लिए, फेल कराने के लिए कुछ न कुछ नए नए नखरे कर रहे हैं। ऐसे शब्द अलंकार रचने का हुनर सबके पास नहीं होता, और हो भी तो सब इसका इस्तेमाल नहीं जानते। मोदी के पास ये हुनर भी है और वो इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। राफेल का हर सवाल वो इसी हुनर के दम पर टाल जाते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। राहुल गांधी कहते हैं, गुस्सा करिए लेकिन जवाब तो दीजिए। यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री अपने गुस्से को आगे कर देते हैं। कांग्रेस देश की रक्षा और सुरक्षा के हितों को दांव पर लगा सकती है, वो किसी को भी दांव पर लगाने में देर नहीं करती। मोदी गुस्से को भावनाओं की ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां न कोई जवाब बचता है और न कोई सवाल। सवाल पूछने वाला सन्न रह जाता है। ऐसी कोई गाली नहीं है जो आपके इस बेटे को न दी गई हो, आपके इस चौकीदार को इन्होंने नहीं दी। तो मोदी सच में इतने गुस्से वाले हैं, या उनका क्रोध राजनीतिक है, या कहिए चुनावी। अब जम्मू कश्मीर में थे, ये बीमारी को हटाओ भाइयों बहनों, बीमारी को हटाओ, यही बीमारी है। बाप बेटा, बाप बेटी, यही बीमारी है भाइयों। जिस तरह से पीएम मोदी का व्यक्तित्व बहुआयामी है, वैसे ही उनके गुस्से के भी कई कोण हैं। जितना बड़ा चुनाव, जितना बड़ा विरोधी, उतना बड़ा गुस्सा। आज तक भारत माता की। पहले चरण का चुनाव बीत चुका है, लेकिन सबके मन में सवाल है, मोदी को गुस्सा क्यों आता है? और आज इसी की बड़ी पड़ताल हम कर रहे हैं। सवाल यह है कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहते हैं? तो इसका जवाब बेहद आसान है, नेहरू गांधी परिवार। अपने भाषण की शुरुआत नेहरू जी से करते हुए नरेंद्र मोदी एक एक करके गांधी परिवार पर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी उनके निशाने से छूटता नहीं है। एक परिवार ने 55 साल तक राज किया, एक परिवार के स्वार्थ की सिद्धि के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान किया। आप जानते हैं नेहरू गांधी परिवार को गुजरात के प्रति कितनी नफरत है। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। जिन्होंने 70 साल तक गरीब को गरीब बनाए रखा, वो कभी गरीब का भला नहीं सोच सकते। पीएम मोदी अगर भारतीय इतिहास के किसी एक पात्र से सबसे ज्यादा गुस्सा रहते हैं, तो वो है आजादी आंदोलन के नेता और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनका खानदान। वो मानने को राजी ही नहीं होते कि भारत का निर्माण, इसकी तरक्की, इसकी संभावनाओं को गढ़ने में नेहरू की कोई बड़ी भूमिका थी। आप जानते हैं नेहरू गांधी परिवार को गुजरात के प्रति कितनी नफरत है। नेहरू की नफरत का तो नहीं पता, लेकिन उनके परिवार पर मोदी का क्रोध छिपाए नहीं छिपता। बिजली, सड़क, पानी, नहरें, स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हर गड़बड़ी के लिए वो इसी खानदान को जिम्मेदार मानते हैं। 55 साल का भोग और 55 महीने का सेवा भाव। हालांकि प्रधानमंत्री तीन ही रहे नेहरू गांधी परिवार से, बात केवल नेहरू, इंदिरा या राजीव गांधी की नहीं है। मोदी न सोनिया गांधी को माफ करने को तैयार हैं और न राहुल गांधी को।
ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था। नेहरू गांधी परिवार से मोदी की चिढ़ के कई चेहरे हैं, लेकिन सबसे नई है प्रियंका गांधी से उनकी चिढ़। एक बात तो इस चिढ़ के कारण विचित्र स्थिति भी पैदा हो गई। कोई भी बेटी अपने भाई के विजय के लिए, माँ के विजय के लिए सब कुछ करेगी। मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि प्रियंका माई बेटी जैसी है, अगर वो कुछ कहेंगे तो हम बोलेंगे। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। मोदी कहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार ने देश को बर्बाद कर दिया, और गांधी परिवार कहता है कि मोदी संविधान की आत्मा को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, दूसरी तरफ चार चीफ जस्टिस निकलते हैं, मतलब सबकी धज्जियां उड़ानी है। और आप हंस रहे हो, ये बड़ी सीरियस बात है, हंसने की बात नहीं है। यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। सोनिया मोदी पर बोलने से अमूमन परहेज करती हैं, लेकिन वो जब भी बोलती हैं मोदी का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचता है। अभी पुराने केस चल नहीं रहे हैं कि एक नया घोटाला सामने आ गया, तुगलक रोड चुनावी घोटाला। दरअसल मोदी अपने क्रोध का आधा से ज्यादा हिस्सा नेहरू गांधी परिवार के लिए आरक्षित रखते हैं। एक परिवार ने 55 साल तक राज किया, कांग्रेस का हाथ देश के साथ है या देशद्रोहियों के साथ है। जब भी चुनाव आता है मोदी का गुस्सा भी बढ़ जाता है, और गुस्सा बोले तो नेहरू गांधी परिवार पर गुस्सा। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएएम का मतलब है फैमिली। अब मुझे बताइए, ये अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है? नेहरू से लेकर मोदी की चिढ़ आज की नहीं है, तब की है जब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इस परिवार ने क्या किया, इतिहास गवाह है। दरअसल मोदी नेहरू से गुस्से के मारे कई बार इतिहास बोध से भी खेल जाते हैं। ये अलग बात है कि अपने विमर्शों को साबित करने की जिद उन्हें कई बार मुश्किल परिस्थितियों में डाल देती है। एक परिवार के स्वार्थ की सिद्धि के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान किया था। मोदी बार बार चार पीढ़ी का जिक्र करते हैं, और इस पर वो जोर इसलिए देते हैं कि भारत के पिछड़ेपन के लिए उस चार पीढ़ी को कसूरवार साबित कर सके। अगर चार पीढ़ी एक ही विषय को बार बार बोलती जा रही है और करने में कुछ नहीं। गुस्सा आदमी का चरित्र होता है, लेकिन मोदी ने इसे राजनीति की चाल में बदल दिया है। क्रोध उनकी कला है जिसे वो जब चाहे तभी इस्तेमाल करते हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों पर गुस्सा करते हैं जो उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें करते हैं। भले ही उनकी सरकार में कुछ दिन लोग हिस्सा रहे हों, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं नरेंद्र मोदी के निशाने पर आ जाते हैं। वैसे चुनावी फिजा जिस तरह से बदली हुई है, आजकल प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर है महागठबंधन। पवार से लेकर ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश लेकर चले अखिलेश यादव मायावती, और वहीं बिहार में तेजस्वी यादव, इन सबसे बेहद गुस्सा है प्रधानमंत्री। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि शरद राव पवार को क्या हो गया है। अरे शरद राव, आपने तो देश के नाम पर कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस को तोड़ दी थी। अब देश में दो प्रधानमंत्री होने की बात पर आप कब तक चुप रहोगे, कब तक चुप रहोगे? ये दो प्रधानमंत्री वाली बात आपको मंजूर है? पवार मोदी के गुस्से के नए पात्र हैं। इसके बावजूद कि जब महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी की सरकार को अधर में लटका दिया था, तब पवार ने बिना शर्त समर्थन देकर लाज बचाई थी, लेकिन अलग अलग राज्यों में गठबंधन से बीजेपी को मिलती जबरदस्त चुनौती से मोदी तमतमा उठते हैं।
और अब तो महामिलावट आने वाला है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो ये महामिलावट का हाल, देखो केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। मोदी को घेरने के लिए महागठबंधन इकट्ठा हो गया है। बिहार से लेकर यूपी, महाराष्ट्र और केरल कश्मीर तक अलग अलग गठबंधन बने और इससे बीजेपी के लिए 2014 के इतिहास को दोहराना मुश्किल हो सकता है। चौकीदार क्या है? चौकीदार क्या है? चौकीदार क्या है? ऐसा प्रधानमंत्री अभी देखी चाहे तो मिथ्यावादी प्रधानमंत्री को कौन देखेगी? इसके जवाब में मोदी गुस्सा हो जाते हैं, अपने विरोधियों को देशद्रोही बताने लगते हैं, विकास विरोधी बताने लगते हैं, जातिवादी बताने लगते हैं। बंगाल की दीदी बहुत चिल्लाती है, आप क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरे प्रधानमंत्री की मांग, इससे आप सहमत है कि नहीं है? देश की जनता को जवाब दीजिए। मोदी को अपने चमत्कार की नरेंद्र मोदी का गुस्सा चुन चुन कर अपने विरोधियों पर। नरेंद्र मोदी को गुस्सा क्यों आता है इसी बात की कर रहे हैं हम बड़ी पड़ताल। चुन चुन कर अपने विरोधियों का हिसाब लेते हैं नरेंद्र मोदी और इसी वजह से हो जाते हैं आग बबूला। लेकिन राष्ट्रहित का मुद्दा जब उनके सामने आता है उस वक्त नरेंद्र मोदी का गुस्सा और पारा सातवें आसमान पर होता है। जी हाँ, बात आतंकवाद या फिर पाकिस्तान की हो उसके बाद तो नरेंद्र मोदी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो यकीन करते हैं। और इसी वजह से जब पाकिस्तान से बनाए और उकसाए गए आतंकवादी हिंदुस्तान में खून बहाते हैं तो नरेंद्र मोदी का गुस्सा तेजा भी हो जाता है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में। ऐसे ही नहीं धधकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात आतंकवाद की आती है, जब पाकिस्तान के पेरोल पर पलने वाले आतंकवादियों के खूनी बारूद हमारी फिजाओं में फैलने लगते हैं, जब आतंकियों की कायराना हरकतों के कारण हमारे वीर जवानों का खून बहता है, तब प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में लहू उतर जाता है। वो कहते हैं ना कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके वो लहू क्या है। इस चौकीदार ने आतंक के सरपरस्तों में ये डर बिठाया है कि उनकी एक भी गलती उन्हें भारी पड़ जाएगी। ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा। जिस देश की सरहदें महफूज नहीं होती उस देश का भविष्य डावाडोल होने लगता है। भारत का दुर्भाग्य ये रहा है कि इसे पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला जो न दोस्ती की भाषा समझता है और न किसी भाईचारे को। आमने सामने के युद्ध में पाकिस्तान को हर बार भारत से मुंह की खानी पड़ी, इसीलिए वो आतंकवादियों के जरिए हिंदुस्तान को अस्थिर करने की नापाक साजिश रचता है। लेकिन अब उसकी साजिशों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी बोली से नहीं बंदूक की गोली से देने में यकीन करते हैं, इसीलिए पुलवामा कांड के बाद उन्होंने बेहद उबली हुई प्रतिक्रिया दी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी और चुकानी भी पड़ी। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए, कहां तो बिना बात बौखलाता था पाकिस्तान और कहां उरी कांड के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा कांड के बाद एयर स्ट्राइक से उसके होश ठिकाने लग गए, जुबान लरजने लगी। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां के हुक्मरान हो या फिर आतंक के आका, डर उनके चेहरे पर दिख रहा है। आज वे दुनिया में जा जाकर अपने डर का रोना रो रहे हैं। पाकिस्तान की भाषा क्यों बदलने लगी,
इस पर प्रधानमंत्री मोदी के शठे शाठ्यम समाचारित यानी जैसे को तैसे वाली भाषा को और विस्तार से समझाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। वैसे इन सब के बावजूद जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आता। वहाँ के अलगाववादी नेता जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के पैरों पर उछाली जाने वाली गेंद बनाने पर तुले रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला धारा 370 इस फसाद की जड़ में है, इसीलिए धारा 370 पर भी वो सीधा प्रहार बोलते हैं। कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। लेकिन इससे इत्तेफाक कहा जाए या सियासी जोड़ घटाओ कि धारा 370 का सवाल ऐन चुनाव के वक्त ही उठने लगा जबकि 5 साल तक इस पर कोई चर्चा नहीं और पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री के आक्रामक तेवर के बीच विपक्ष तो उन पर संगीन आरोप भी लगा रहा है। हिंदुस्तान के लोग ये समझते रहे और आज भी समझते हैं ये दुश्मन है वो दुश्मन है ये मारना चाहता है वो मारना चाहता है। ए हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों तुमने सुना होगा कल पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान, उसे इंतजार है इस बात का कि नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम कब बनेंगे और जब वो वजीर आजम बनेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। वो तुम्हारा दोस्त कल भी था, वो तुम्हारा दोस्त आज भी है, कल भी तुम साजिशों में उसके साथ शरीक थे आज भी। इन सब के बीच 8 पूर्व सेना प्रमुखों समेत सेना के 156 पूर्व अधिकारियों की एक चिट्ठी से भी चुनावी माहौल गर्मा गया। हालांकि कुछ सैनिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन कुछ ने कहा लिखी है। लेकिन जब कांग्रेस ने कहा कि सेना के आला अधिकारी भी मानने लगे कि उनका चुनावी राजनीति में दुरुपयोग हो रहा है तो मोर्चा संभाला तेवर वाली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने। And fake letters, fake allegations are being signed by some vested interest groups. It is absolutely condemnable. And I really would like to say, at the time of election, at least fake complaints not be given. Of course, welcome to give your genuine complaints. But without taking the permission of people who are eminent citizens, eminent officers, you just include their names in the petition. वैसे सवाल ये है कि क्या सेना का पराक्रम वाकई चुनावी राजनीति का औजार बन रहा है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीखे और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोग उनके इस अंदाज को बेहद करते हैं पसंद तो कुछ लोग उनकी इस अंदाज की आलोचना भी करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके मंत्रिमंडल में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने और पहचाने जाते हैं और बिल्कुल आक्रामक अंदाज। उनमें से एक है केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। उनके डिग्री को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया तो स्मृति ईरानी इमोशनल हो गई, लेकिन कांग्रेस पर जब वार करने की बारी आई तो वो भी हो गई बेहद आक्रामक। उनका गुस्साल अंदाज देखिए। मेरा भरोसा मेरी एक छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा। 5 साल पहले जब अमेठी में राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति ईरानी को उतारा तो ये भी बताया कि वो उनकी छोटी बहन है। प्रधानमंत्री की उस छोटी बहन को भी गुस्सा खूब आता है, खासकर तब जब उन पर कोई सवाल उठता है। अब शुक्रवार की घटना को ही ले लीजिए, उनकी पढ़ाई पर कांग्रेस ने चुटकी ले ली। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है एक डिग्री जाती है,
बनते एफिडेविट नए हैं। ये चुटकी पढ़ाई लिखाई वाले महकमे की भूतपूर्व मंत्री और कपड़ा विभाग की मौजूदा मंत्री स्मृति ईरानी को चुभ गई। इस पर उन्होंने जज्बातों की छौंक लगानी चाहिए, लेकिन गुस्से का तड़का ज्यादा लग गया। एक ऐसा अपमान नहीं, एक ऐसी गाली नहीं, एक ऐसा षड्यंत्र नहीं, एक ऐसी निर्लज व्यवहार नहीं जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया हो। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी है। चेले चपाटों से कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी। 15 साल पहले स्मृति ईरानी को राजनीति में बीजेपी ने तब के बड़े नेता प्रमोद महाजन लेकर आए थे। उनको दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ाया। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी का दिल जीतती चली गई। लेकिन चुनावी हलफनामे में उनकी डिग्री का गड़बड़ झाला शुरू हो गया। 2004 में स्मृति ने हलफनामा दिया कि 1996 में उन्होंने पत्राचार से दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किया था, लेकिन 2014 के चुनावी हलफनामे में लिखा कि 1994 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पत्राचार से कॉमर्स में बीए पार्ट 1 तक पढ़ाई की। 2017 में राज्यसभा के लिए चुनाव हो या फिर इस बार अमेठी से पर्चा भरने का, 2014 वाला हलफनामा ही स्मृति ईरानी ने दिया है। विद्वानों का तो मानना है कि योग्यता डिग्री की मोहताज नहीं होती। स्मृति ईरानी की राजनीतिक योग्यता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भांप लिया था, इसीलिए उनको गुजरात से राज्यसभा में भेजा। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाया और हारने के बावजूद तब 38 साल की स्मृति को मानव संसाधन विकास मंत्री बनवा दिया। संसद से सड़क तक विपक्ष पर स्मृति के धारदार हमले होते रहे। वायनाड को उन्होंने प्राथमिकता देकर अमेठी की जनता को पहले से ही ये संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता वायनाड है। मेरे लिए प्राथमिकता मात्र और मात्र अमेठी गत 5 वर्षों से रही। मैं 2014 में चुनाव हारी, लेकिन हारने के बावजूद राहुल गांधी से ज़्यादा मेरा न सिर्फ क्षेत्र में प्रवास रहा बल्कि जनता के मध्य में काम भी रहा। मैं मात्र इतना ही कहूँगी, 5 साल न सिर्फ वो यहाँ से गायब रहे बल्कि 15 साल तक अमेठी ने उनकी एब्सेंटी एमपी होने का दुख झेला है। लेकिन राजनीति में आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह इनको सराहा, इससे इनका कद और बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी की उदारता स्मृति ईरानी को भावुक कर देती है। He has followed his छोटी बहन. That is another blessing, isn't it? I was quite overwhelmed when he did that. It was quite unexpected. Oh gosh, it was quite unexpected. Yes, he comes from a very, very poor family. I guess somewhere he recognized that. प्रधानमंत्री ने अपनी छोटी बहन पर एक बार फिर एतबार किया और राहुल से टक्कर लेने के लिए अमेठी के मोर्चे पर तैनात किया। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कभी जज्बाती हो जाते हैं तो कभी हो जाते हैं बेहद आक्रामक। सवाल यह है वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो उनके जेहन में कौंध रहे होते हैं, और इसी सवाल का जवाब तब से तलाशने की हम कर रहे हैं कोशिश। आपको बता दें, कई बार प्रधानमंत्री मोदी के गुस्से वाले बयानों की अक्सर चर्चा होती है, विपक्ष उस पर पलटवार भी करता है और सत्ता पक्ष उन्हीं बयानों को फैला फैला कर जनता के बीच ये मैसेज देना चाहता है कि देखिए नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है, 2019 की इस चुनावी फिजा में, इस लहर में नरेंद्र मोदी के इन भाषणों का, इस गुस्से का किस तरह से पड़ेगा असर, क्या इसका सियासी फायदा भी। नरेंद्र मोदी हैं जिनके चेहरे की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 282 सीटें अकेले बीजेपी को मिल गई थी। नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसी वजह से एक एक मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक तरीके से वो चुनावी मैदान में है, ताकि 2019 में भी 2014 वाली लहर पैदा की जा सके और एक बार फिर से बीजेपी की नैया बहुमत के साथ पार लगाई जा सके। लेकिन इसमें वो होंगे कितने कामयाब, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।